वज़ीर-ए-आज़म क्या -1 हो सकते हैं अपनी जमात के अंदर? ये काफ़ी अहम सवाल है और वज़ीर-ए-आज़म ने क्योंकि ख़ुद इस बहस का आगाज़ किया है तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा जो अहम इशू है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, हमारा क्या मुस्तकबिल होगा? एक वाक़या हुआ, पाकिस्तान से फ़्लाइट गई पाकिस्तान से बाहर, कोरोना के मरीज़ उसमें काफ़ी तादाद में थे, तो एमिरेट्स ने पाकिस्तान से फ़्लाइट सस्पेंड कर दी। हांगकॉन्ग पाकिस्तान से मरीज़ गए, वहाँ से भी मैसेज आ गया। लंदन गए तो उन्होंने ख़बर छाप दी कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो पाकिस्तान से फ़्लाइट्स आई हैं तो जो इम्पोर्टेड कोरोना के केसेज हैं वो पाकिस्तान से 50% आए हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर हैं हम कि यहाँ से पाकिस्तान बाहर जाना मसला होगा। PIA की फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं 6 माह के लिए यूरोप और UK के अंदर। फॉर द टाइम बिंग ऑपरेट करेंगी लेकिन उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे और क्या तरीक़ाकार हुकूमत अपनाएगी कि हम इस मामले से बाहर निकल जाएँ? क्या एक्शंस हमने लिए हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ऐसे फेक सर्टिफिकेट्स बांटे, और सिविल एविएशन के अंदर मौजूद उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई, और कितने पायलट्स हैं जिनको ग्राउंड किया गया?